वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट में, वो फोर्थ पार्ट है एनवायरनमेंट का। और जैसा कि आप इमेज देख रहे होंगे, तो आपको क्रस्ट भी दिख रहा है, लेयर्स दिख रहे हैं, लिथोस्फीयर सेगमेंट, और आपको दिख रहे हैं वाटर बॉडीज। इट इज़ ग्रैंड कैनियन एग्जाम्पल। ये फोटो जो है ग्रैंड कैनियन का है, जो मिसिसिपी रिवर इसमें से बह के जा रही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, इन्वायरमेंट के थर्ड वीडियो में मैंने एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में डाला था। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर DEF का जो है आप किलोमीटर मेंशन कर दीजिए। तो आपको एक रिकॉल के लिए और थैंक्स फॉर एडवाइस मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट में ऐड कर सकते हैं। जो आयनोस्फीयर है, जो आयन होराइज़न है, वो 48 से 965 किलोमीटर तक है। बहुत सारी किताबों में 1000 लिखा हुआ है। एक्चुअली में जो 965 से 1000 तक जा रहा है, ये जो 5 किलोमीटर का दायरा है, ये जियो प्लाज्मा स्फीयर होता है। जैसा कि मैंने जी लेयर के बारे में बताया था कि जब ई और एफ लेयर जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे प्लाज्मा जनरेट होता है। और ये प्लाज्मा के जनरेशन से जो है आपको जी स्फीयर मिलता है। 5 किलोमीटर का उसका दायरा होता है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, डी लेयर जो है वो 60 से 90 किलोमीटर है, ई लेयर जो है वो 90 से 150 किलोमीटर है, और एफ लेयर जो है वो 150 से 965 किलोमीटर तक है। एक वीडियो जो है इसका, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, तो मैं आपको एक अपना वीडियो भी एक्सप्लेनेशन वाला, जैसे मैंने पिरामिड में डाला था, वैसे इसमें पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। आप इसमें मुकम्मल जानकारी है, आप इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज जिस लेयर के पोर्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर दो भागों में बटा है, क्रायोस्फीयर और जियोस्फीयर में। बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो है जियो सेगमेंट को, जियोस्फीयर को एटमॉस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के एक क्लम्प्स के रूप में, क्रायोस्फीयर के साथ देखा है। परंतु जो नई स्टडी है, जो लेटेस्ट स्टडीज़ चल रही हैं अर्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें जो है ये सेग्रीगेशन अलग है। जाहिर सी बात है, मैं लेटेस्ट ही चुनूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे MSc कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस से, अगर वो फर्स्ट ईयर के हैं और अगर वो पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो रिसर्च पेपर को ज़रूर पढ़ें। रिसर्च जर्नल को पढ़ने से आपके कंसेप्ट बहुत ब्रॉडली क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि रिसर्च पेपर एक हैबिट डाल लीजिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हफ्ते में एक दिन अपने टॉपिक से रिलेटेड एक रिसर्च पेपर सर्च कीजिए। कोई भी रिसर्च पेपर सर्च कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्प्रिंगर को ही पढ़ लीजिए। कोई भी आप रिसर्च पेपर को जो है सर्च करके आप उसको पढ़िए। रिसर्च पेपर पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, वो आपको एग्ज़ाम्स में दिखेगा। और चूँकि इन्वायरमेंटल साइंस से बच्चे गेट के थ्रू IITs में अब जा सकते हैं, तो ज़रा उस पर फोकस रहिए, उस पर भी फोकस कीजिए आप, क्योंकि IITs का ऑप्शन जो है वो बेस्ट होता है। अब एटमॉस्फेयर को जब हम इलेबोरेट किए, एटमॉस्फेयर के सारे कंपोनेंट्स को इलेबोरेट कर दिया गया है, उसमें कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी का जब वीडियो बनेगा, तो उसमें आपको और बड़े मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप पे बच्चे ने पूछा है कि सर ये जो आप फिजिकल, बायोलॉजिकल और एनर्जी कंपोनेंट में बांट दिए हैं, ये हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपके लिए मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ, आप देखिए इसमें।
लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, कलेक्टिवली बायोस्फियर और एनर्जी कंपोनेंट। अब ये जो येलो सर्किल आपको दिख रहा है, इट इज़ एनवायरनमेंट। समझ रहे हैं? तो एनर्जी चूंकि हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है, जो कि किसी भी स्फीयर के लिए मैंडेटरी है, इस अर्थ के लिए अगर एनर्जी सिस्टम ना हो, एनर्जी कंटेंट ना हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे वर्गीकृत इस तरह किया है। अब समझ में आया कि आपको ये क्लासिफिकेशन क्यों देखने को गूगल पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने ये सारे कंपोनेंट को यहाँ पर एक्सप्लोर कर दिया है। बहुत से किताबों में, बहुत सी जगहों पर, मेरे खुद के नोट्स में जो है, ये आप जो बायोलॉजिकल देख रहे हैं, ये बायोस्फीयर बायोस्फीयर है, परंतु बायोस इकोलॉजी में जब मैंने वीडियो बनाया, इकोसिस्टम का जब मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। तो मैंने वहाँ बोला था कि मैं इन्वायरमेंट के वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें सारे एबायोटिक कंपोनेंट को ब्रॉडली एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसके बाद जो है, यही वीडियो पढ़ना है। एबायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं सारे, ठीक है, बायोस्फीयर के लिविंग कंपोनेंट होते हैं सारे, सॉरी बायोटिक बायोटिक लिविंग कंपोनेंट होते हैं बायोस्फीयर के सारे। एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं, जो आप इकोसिस्टम में और इकोलॉजी में पढ़े हैं, उसको मैं यहाँ पे इलेबोरेट कर दूंगा। एक एक पॉइंट को हम ओपन करेंगे, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर देंगे यहाँ पे विथ नोट्स। तो आपको यहाँ पे सहूलियत मिलेगी यहाँ से उन नोट्स को कंप्लीट करने की अपने। तो कतई परेशान मत होइएगा, सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक आप तक पहुँच रहा है। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 आप देख चुके होंगे, वीडियो 4 आप देख रहे हैं। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो 1, 2, 3 देख कर ही इसको देखिए, तभी ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं आपके। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो कंटेंट है वो है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर को दो भागों में बांटा गया है, जियोस्फीयर और क्रायोस्फीयर। जब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। बेसिकली आपको समझना क्या है, बेसिकली जो मायने रखता है वो है अंडरस्टैंडिंग, आप समझना क्या चाहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ ज़रूरी है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें जो है मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर इसको एक्सप्लेन करूँगा, एक एक पॉइंट को, उसको भी आप देखिएगा, एक्सप्लेनेशन में आएगा। हाइड्रोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो समस्त पूरे धरती पर और किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम में, जो पोर्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। जैसे चांद पे पानी की बात हुई, मून के एक आपको उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो वो हाइड्रोस्फीयर हुआ, मून का हाइड्रोस्फीयर हुआ। ऐसे ही गैलिनी और जो है सैटर्न पे और नेपच्यून पे, यूरेनस पे भी वाटर है, तो वो चीज़ उसके वाटर हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट में आएगा। पर एटमॉस्फियर के बाद से जो सेकंड इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बनता है वो आपका हाइड्रोस्फीयर बनता है, इसके बाद लिथोस्फीयर की बात होती है। तो सब सिस्टमेटिक मैंने रख रखा है। हाइड्रोस्फीयर में जो भी पानी है, पानी मैंने एटमॉस्फियर में बताया था ना, क्या बताया था कि एटमॉस्फियर में भी सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा, मिला था एटमॉस्फियर में वाटर वेपर, फिर आपका उसमें एरोसोल डस्ट पार्टिकल्स, और फिर आपका गैसियस कंपोजिशन मिला था एटमॉस्फियर में। उसी तरह हाइड्रोस्फियर में भी सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा, ऐसे ही लिथोस्फियर में भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा, क्योंकि ये जो डिवीजन हुआ ना, ये जो डिवीजन हम यहाँ पे पढ़े हैं, ये क्या है, ये स्टेट ऑफ मैटर, जो ये आप मैक्रो डिवीजन देख रहे हैं जिसमें आप ये फिजिकल, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट और ये एनर्जी कंपोनेंट देख रहे हैं, तो एटमॉस्फियर का जो फिजिकल कंपोनेंट है वो जो डिवाइड किया गया, तो वो स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर किया गया। एटमॉस्फियर गैस, हाइड्रोस्फियर लिक्विड, लिथोस्फियर सॉलिड, और हर कंपोनेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट इंटरलिंकिंग है, ऐसा नहीं है कि एबायोटिक और बायोटिक ही आपस में इंटरलिंक होते हैं। एबायोटिक
और एबायोटिक भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इसीलिए मैंने डेफिनेशन में कॉस्मिक इक्विलिब्रियम की बात की थी। बायोटिक बायोटिक इंटरलिंकिंग होगा तो प्रोसीजर वो कंपटीशन में देखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे मैं बायोटिक में डिस्क्राइब कर दूंगा। फिर आप अगर एबायोटिक देख रहे हैं तो एबायोटिक भी आपस में इंटरलिंक्ड होकर चलते हैं, एबायोटिक भी आपस में इंटरलिंक्ड होकर चलते हैं। फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट भी तो नॉन लिविंग कंपोनेंट हुआ, ये भी आपस में इंटरलिंक्ड है, तो सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक कड़ी है, एक कड़ी है, और ये कड़ी जो है ऐसे सिस्टमेटिक पैटर्न से जुड़ी है जिससे कि लाइफ को स्टेबिलिटी मिलती है। लाइफ के सर्वाइवलिटी के लिए बहुत सारे कंपोनेंटों की ज़रूरत होती है, ऐसे लाइफ नहीं सर्वाइव करती है, ऐसे कहीं भी लाइफ नहीं हो सकती, उसको कई सारे कंपोनेंट की ज़रूरत होगी। तो हाइड्रोस्फीयर में अब पानी कहाँ कहाँ पर, हमारे यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में आपको, वाटर वेपर के फॉर्म में आपको, सॉयल के अंदर पानी मिलेगा आपको, आइस शीट में पानी मिलेगा, आइस शीट पानी ही है। अब देखिए आइस शीट में मौजूद जो पानी है तो वो हाइड्रोस्फीयर, परंतु हम उस शीट की बात करते हैं तो वो क्रायोस्फीयर में स्टडी होता है, वो क्रायोस्फीयर का पोर्शन आ जाता है, छोटा सा ही है, क्रायोस्फीयर में आता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर में हम लिक्विड फॉर्म में वाटर को देखेंगे, गैस फॉर्म में वाटर को देखेंगे, और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वाटर को देखेंगे। पूरे अर्थ पे जो टर्नओवर ऑफ वाटर है वो है आपका 577,000 किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब हाइड्रोस्फीयर 71% आपका पानी है धरती पर, 71% आपका अर्थ पे वाटर है। इसमें जब हाइड्रोस्फीयर की बात होती है तो हाइड्रोस्फीयर में एक हाइड्रो का साइकिल होता है, हाइड्रो साइकिल मतलब कि वाटर साइकिल, वाटर साइकिल ही हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर जो है वो एक क्लोज सिस्टम की तरह काम करता है, वो एक क्लोज सिस्टम की तरह काम करता है, अभी आगे डिस्कस होगा। अब जितना वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन सरफेस और कितना अमाउंट ऑफ पानी हमको वापस मिलता है, देखिए आप यहाँ पे लिखा है 5,02,800 किलोमीटर स्क्वायर, और लैंड से 74,200 किलोमीटर स्क्वायर, देख रहे हैं। और ये क्या है, वाटर दैट इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन सरफेस एंड लैंड। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा आपको अमाउंट मिल जाता है कि कितना वाटर इवेपोरेट हुआ। अब कितना अमाउंट प्रेसिपिटेशन में आया, ये जो डेटा आपको दे रहा हूँ मैं बहुत एग्जैक्ट है, कितना अमाउंट एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन से हमको मिल रहा है, 4,58,000 किलोमीटर क्यूब, या सॉरी ये सब क्यूब है, 4,58,000 किलोमीटर क्यूब ऑन द ओशन। अब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ बरसता है, सोचने की बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पहले चेरापूंजी में बरसता था, क्लाइमेट चेंज के कारण वो शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गया, मानसीराम में हुआ ना, अब मानसीराम में सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। तो वो एक पर्टिकुलर होराइजन की बात की जा रही है, पर अगर हम पूरे अर्थ पर एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ बरसता है तो समुद्र पे बरसता है, क्योंकि समुद्र 71% है आपके लैंड एरिया का, और टेरिस्ट्रियल तो केवल 29% है। तो पानी सबसे ज़्यादा कहाँ बरसा, समुद्र पे बरसा। इसके बाद से जो आपका इसमें कई सारे डेटा दिए गए हैं, आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन कितना डिफरेंस है, देखिए पर ईयर का डिफरेंस है लिखा हुआ है, टोटल रन ऑफ फ्रॉम अर्थ रिवर सिस्टम से कितना ड्रेन हो रहा है, फिर डायरेक्ट ग्राउंड वाटर रन ऑफ ओशन में कितना है, ये आपका जो है 2100 किलोमीटर क्यूब पर ईयर,
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल प्रिंसिपल साइकिल है, सोर्स है, प्रिंसिपल सोर्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर लाइफ सिस्टम और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं अराउंड द ग्लोब। पानी हमारे धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पास जितना भी समुद्र में पानी है, हम उसको इवेपोरेट करके, डिसलाइन करके पी तो सकते हैं, पी सकते हैं। कोई और सोर्स नहीं है जहाँ से इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, समझ रहे हैं? पानी को बनाना बहुत कठिन काम है, इसीलिए जल पे सबसे ज़्यादा हर देश की सरकारें ध्यान दे रही हैं। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज बना है, इसीलिए बना है। क्यों सरकार कहती है कि रिवर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों गंगा प्रोटेक्शन प्लान चल रहा है, ये सब इसीलिए चल रहा है क्योंकि भारत दुनिया का ऐसे देश है जो कि रिवर से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा इसकी ब्लेसिंग रिवर्स है। और पूरे दुनिया में सबसे फ्रजाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये गंगा का जो पठार है ये सबसे ज़्यादा उपज वाली मृदा मानी जाती है, इसीलिए गंगा को बचाने के लिए सरकार पैसा पानी की तरह बहाती है। पर हमारी अंदर अवेयरनेस भी नहीं है, हम इतना अवेयर नहीं है क्योंकि हम इसको जन्मे नहीं करते हैं। अभी आप पूछिए किसी से इन्वायरमेंट के बारे में तो चार लाइन से ज़्यादा बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कभी, उसको तो पेड़ पौधे से मतलब, भाई पेड़ लगा तो इन्वायरमेंट है? नहीं भैया, पेड़ लगा तो इन्वायरमेंट नहीं है, और भी चीज़ें हैं। आप नदियों में स्नान कर रहे हैं, ठीक है करिए, कहते हैं कि धर्म कहता है, जितने लोग भी कहते हैं कि नदियों में स्नान करना और नदियों में जो है हम राख और ये सारा कचरा विसर्जित कर रहे हैं, इसको धर्म कहते हैं, तो आपको बताएं हम कि समाज शास्त्र में, क्योंकि एनवायरनमेंट का बंदा हर सब्जेक्ट पढ़ता है, कुछ बचता नहीं है, समाज शास्त्र में उपनयन संस्कार के बाद से जो नामकरण संस्कार का जिक्र होता है, नाम रखने वाला होता है ना, तो उसमें ये प्रतिबंधित है कि आप नदी के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर अपने बच्चों के नाम न रखें, ये उसमें लिखा है। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सही है, आप नदी में किसी भी प्रकार का जो सीवेज है, जो आपका एक्सक्रीटा है, किसी भी प्रकार का उसमें आप ड्रेन नहीं कर सकते, वो पवित्र मानी गई है। तो जिस धर्म में नदियों के लिए भागीरथी ने कई सालों तक तपस्या की, उस धर्म में किस पॉइंट, किस पेज पे लिख दिया गया कि नदियों में आप विसर्जन कीजिए, किस पॉइंट पे लिख दिया गया कि लाश को नदी में फेंक दीजिए, किस पॉइंट पे लिख दिया गया कि आप नदियों में अपने घर का राख ले आकर डालिए? नवरात्र के 9 दिन मैं भी पूजा करता हूँ, और पूजा करने के बाद से हवन होता है, और हवन की जो राख होती है वो मैं अपने गमले में डालता हूँ, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। उसको मैं चाहता तो गोमती के पास बना हुआ है डंप यार्ड, उसमें डाल सकता था। पढ़ने का ये मतलब नहीं है, और शिक्षा में क्या है कि भारत अभी भी क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पे जोर देता है। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 100% लोग शिक्षित हैं, पर क्या आपके यहाँ 100% शिक्षित हैं? डिग्री लेने से शिक्षित नहीं हो जाता आदमी, कहीं भी नहीं लिखा है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है, किसी भी धार्मिक किताब में नहीं लिखा है। चाहे आप कुरान पढ़ लीजिए, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए, कोई भी चीज़ पढ़िए आप, कहीं भी नदियों के लिए तो कहीं लिखा ही नहीं है कि आप उसमें कचरा डंपिए। और ये इतना गुनाह अजीम है जिसका भरपाई नहीं कर पाएंगे आप। पानी की बर्बादी कहीं नहीं लिखी है, किसी भी उसमें नहीं लिखा है कि आप पानी बर्बाद कीजिए। पुराने जमाने में राजस्थान में बावड़ी बनती थी, रीस्टोरेशन उसमें पानी को किया जाता था, वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत सारे काम हुए, प्राचीन काल से हो रहे हैं।
प्राचीन काल से हो रहा है। महात्मा गांधी के बारे में एक जिक्र आता है कि हमारे प्राचार्य जी ने इसको उल्लेख किया था, हमारे यहाँ वो आए थे तो पर्यावरण पे वो बोल रहे थे और बहुत अच्छी बात लगी। कहते हैं कि साबरमती आश्रम के बगल में साबरमती नदी है, वहाँ पे भी गांधी जी पानी का इस्तेमाल कर रहे थे तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी वो यूज़ करते थे हाथ धुलने के लिए, पैर धुलने के लिए। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये तो बगल में साबरमती नदी बह रही है, आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि प्रकृति के पास हमारी नीड फुलफिल करने के लिए सब कुछ है, हमारी ग्रीड फुलफिल करने के लिए नहीं है। आज से पर्यावरण है, कहीं भी किसी भी धार्मिक शास्त्र में जल प्रदूषण को वैध नहीं बताया गया है, दंडनीय अपराध बताया गया है। नदियों में कुल्ला करना तक वैध है, कहां लिखा है भाई? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। और ये तब होगा जब आप इस सब्जेक्ट को लेके मोरली कंसर्न रहेंगे। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ के आपको डिग्री मिल जाती बस, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक आप नहीं करेंगे आप बेरोजगार ही घूमेंगे। और जिस पल आपने उसको इम्प्लीमेंट किया आपके पास जॉब होगी। कहीं नहीं लिखा है। और मैं सरकार के इस पॉलिसी से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कहा कि जो है मूर्तियों का विसर्जन अलग पॉन्ड बना के किया जाए, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, वाटर की ही कंजर्वेशन की बात हो रही है अभी आपको मैं बहुत बढ़िया कहानी बताता हूँ। पुराने ज़माने में जो दुर्गा जी की प्रतिमा या किसी भी देवी देवता की प्रतिमा बनती थी तो उसमें पत्तियों के, पुष्पों के अर्क को लेकर उसको पीस कर पेंट बनाया जाता था, ठीक है। उस पेंट को उस मट्टी पर उकेरा जाता था, लगाया जाता था, उसके अंदर स्ट्रॉस डाले जाते थे, मूर्ति को स्टैंड करने के लिए स्ट्रॉस डाले जाते थे। स्ट्रॉस क्या करते हैं, पानी में स्ट्रॉस क्या करते हैं, एक मिनट आप इसको पहले थोड़ा सुन लीजिए, अच्छा चीज़ है। पुराने ज़माने में, जैसे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, मैं अपने ही टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे गांव में शादी हुई तो किसी तालाब वालाब के किनारे में बर्तन वर्तन धुलाया, बहुत सारा तेल उस तालाब में फैल जाता था और वहाँ के लोग क्या करते थे जानते हैं, यही स्ट्रॉस को लेकर एक तरफ से दूसरे तरफ उसको झाड़ू की तरफ मूव करा देते थे पानी में, तो एड्जॉर्बसन होता था, स्ट्रॉ के ऊपर सारे ऑयल जो है वो एड्जॉर्ब हो जाते थे और यही एड्जॉर्बसन उस पॉन्ड को, उस तालाब को फिर से प्रदूषण मुक्त कर देता था। क्योंकि अगर तेल की लेयर बिछ गई तो सनलाइट नीचे नहीं जाएगी तो नीचे के जीव जंतु मर जाएंगे और तालाब सड़ने लगेगा, तालाब सड़ने लगेगा, तो स्ट्रॉ से इसको क्लीन करते थे। तो उसी लिए नदियों में बनी वो जो प्रतिमाएं थीं वो स्ट्रॉस की थीं और स्ट्रॉस के थ्रू उसमें मौजूद जितने भी पोल्यूटेंट थे वो एड्जॉर्ब हो जाते थे और एड्जॉर्ब होकर किनारे की तरफ तटों पर लग जाते थे, तो इससे नदियों का प्यूरिफिकेशन होता था। हम लोग को ये चीज़ मालूम नहीं थी पर हमारे प्रैक्टिसेस ऐसे थे कि हम अनचाहे कारणों से ऐसा कर देते थे। अच्छी चीज़ें, अब जो है मूर्तियाँ पेंट से बन रही हैं, पेंट जब पानी में जाएगा तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ करेगा, अगर COD इंक्रीज़ हो रही है पानी में तो पानी को जहर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, सीवियरली पलूटेड होगा। पानी का दोहन और पानी का जो है वेस्टेज, ये आने वाले समय में गृह युद्ध की तरफ ले जाएगा, क्योंकि रिसोर्स और पर्यावरण जो है ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी देश को, दो देशों को गृह युद्ध की तरफ रख सकती हैं। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, तेल के लिए लड़ गए इराक में, अफीम और कोकीन के लिए लड़ गए अफगानिस्तान में, और सारा मैटर रिसोर्स का है, नेचुरल रिसोर्स भी अफगानिस्तान में बढ़िया होता है, CNG जो गैसेस प्लांट के लिए भी युद्ध हो सकता है। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान ये लोग लड़ रहे हैं, ये भी रिसोर्स के लिए है, लैंड रिसोर्स, लैंड इज़ ए रिसोर्स, वो जिस रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं वो बहुत उपजाऊ वाली लैंड है, बहुत उपजाऊ वाली लैंड है।
और इसको टर्नओवर कैसा दिया जा रहा है धार्मिक, जबकि वो उपज वाली लैंड के लिए झगड़ा हो रहा है वहां पे, उपज वाली लैंड। तो ये एनवायरनमेंट ही है जो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि वार के डायमेंशन में भी खड़ा कर सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूँ किसी को भी, कोई भी धार्मिक हो, लीडर कोई भी, मुझे वो बताए कि किसी टेक्स्ट में लिखा है नदियों को पलूट करना। जब जिस धार्मिक किताबों में तो ये लिखा है कि आप नदियों के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते, तो वहाँ पे आप नदियों में कुल्ला करना, नदियों में शौच करना, नदियों में शौच को डालना, नदियों में डेड बॉडी डालना, ये कहाँ लिख देगा। यही शिक्षित हैं, झूठ बोलने का आदत हो गया लोगों का। और एक बात जान लीजिए, वंस वाटर गेट पोल्यूटेड, दुनिया की कोई भी ताकत उसको प्योर करके आपके गिलास में डाल देगी ना, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसको पी जाए, आप नहीं पी सकते हैं, इनर कॉन्साइन अलाइव नहीं करेगा। इसीलिए वाटर जो है एयर के बाद से सेकेंडरी रिसोर्स में महत्व रखता है, और सबसे प्रीशियस रिसोर्स है वाटर, सबसे प्रीशियस। प्रीशियस क्यों है, ये टर्म का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, अगर आपके पास 1 किलो हीरा रहे राजस्थान में, बीचों बीच में आप खड़े हैं, और मेरे पास 1 गिलास पानी रहे तो मैं खरीद सकता हूँ उसको फ्री में, 1 गिलास पानी उसकी वैल्यू है। आगे चलते हैं, उम्मीद करेंगे कि आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं या शिक्षित हैं तो, शिक्षित हैं, एनवायरनमेंट पढ़ने से बात नहीं होता, अगर आप शिक्षित हैं तो आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जिसको मैं देखता हूँ और देखकर यहाँ पहुँचता हूँ, पढ़ के आता हूँ, तब यहाँ पे इसमें बात करता हूँ, और डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। डी से डेमोक्रेसी, डी से डिस्कशन। टोटल मास ऑफ द अर्थ का जो हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फीयर कितना था, 5.14 × 10⁻⁹ मेट्रिक टन, और हाइड्रोस्फीयर कितना है, 1.4 × 10⁻¹⁸ टन्स, 0.023% ऑफ टोटल अर्थ हेमिस्फीयर का जो मास है, टोटल अर्थ का मास का। फिर हम देखते हैं कि एक एस्टिमेशन है कि देयर इज 1,386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ जो है एस्टिमेशन किलो मिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर ऑन अर्थ है। अगर हम इसको माइल्स में देखें तो 33 करोड़ राउंड ऑफ में है। वाटर इज बहुत प्रीशियस है, बहुत बहुत कीमती है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। समुद्र में जितना जो भी कंपोजिशन का पानी है, समुद्र में जो ओशियनिक वाटर के बारे में जब मैं डिस्कस करूँगा एनवायरमेंटल जियोग्राफी में, तो आप देखेंगे समुद्र के जो वाटर का कंपोजिशन है, अगर हम आपका एक बूंद खून लें और उसका मास फ्रैक्शन करके देखें, तो सिमिलर सेम केमिकल कंपोनेंट आपको आपके ब्लड में भी मिलेगा। 70% एक एवरेज डेटा रेशियो जो जनरल नॉलेज की किताब है उसके अकॉर्डिंग से 70% धरती पर पानी है, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 71 है, ध्यान रखिएगा एनवायरनमेंट एग्जैक्ट डेटा देता है। 70% धरती पर पानी मान लीजिए है, 70% पानी आपके ब्रेन में है, 70% पानी पूरे बॉडी में है, 70% पानी आपके हर सेल में है, और यही चीज 70% का हिसाब किताब पूरे धरती पर मौजूद सभी वनस्पतियों जीवों में लगता है। हर पेड़ में 70% पानी है, टाइगर में भी 71% मिलेगा, चींटी में भी 71% मिलेगा, मच्छर में भी मिलेगा। ये एक
कैलकुलेटेड वैल्यू है, एवरेज रेशियो। अब हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वायर्स के बारे में हम समझेंगे। टोटल हाइड्रोस्फीयर 71% जो है, अगर हम इस 71% को 100% करते हैं, काउंटेबिलिटी में देखते हैं, लेट अस सपोज कि 71% जो है आपका इज 100%, नाउ व्हाट हैपन, फिर क्या होगा? अब आप देखिए, ओशन में 97.41% पानी, आइस कैप एंड ग्लेशियर में 2.59% पानी, ग्राउंड वाटर में 0.5, मॉइस्चर सॉयल में जो पानी है, सॉयल का मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं कहता हूँ सफ़ेदा मत लगाना, और लगा है तो कटवा देना, क्योंकि सॉयल का मॉइस्चर ही वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉयल का मॉइस्चर एब्जॉर्ब होते उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, और जब वंस प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो, किसी काम का वो नहीं रह जाएगा सॉयल, इरोड होना शुरू होगा और उसकी प्रॉपर्टी, टेक्सचर, एनपीके सब लॉस हो जाएंगे। इसके बाद से लेक और रिवर में 0.09% पानी, एटमॉस्फेयर में 0.001% पानी इन फॉर्म ऑफ वेपर। ये हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वायर की बात की गई टोटल। अब ये देखिए, यही है वाटर साइकिल, एक क्लोज साइकिल है, सिंपल इमेज है, ये तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगी अवेलेबल, मैं बना सकता था पर बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। वाटर साइकिल एक क्लोज्ड पैटर्न है जिसमें मेजरली जो प्रोसीजर हो रहा है वो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, तीन मुख्य चीज़ें वाटर साइकिल में मूलभूत तरीके से होती हैं। क्या होती हैं? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। क्लाउड में बताऊंगा, क्लाउड का एक वीडियो आ रहा है, इसके बाद से सिर्फ हम जियो साइंस पर ही चलेंगे, उसमें मैं जियो साइंस जो पढ़ाऊंगा वो एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी सेकेंड ईयर का पूरा जियो साइंस एक साथ चलेगा, ठीक है? तो बने रहिएगा, बड़ा मज़ेदार होने वाला है वो। अब ये देखिए, ये क्या हो रहा है, हर जगह से पानी इवेपोरेट होगा प्लांट से, ट्रांसपायरेशन के द्वारा। यही ट्रांसपायरेशन के द्वारा सनलाइट पड़ने पर स्टोमेटल ओपनिंग से जब प्लांट से पानी निकलने लगता है, तो जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में ऊपर या नीचे या इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं, या 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ मूव करते हैं, तो प्लांट्स की जो लीफ हैं वो स्पाइन शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। लीफ स्पाइन क्यों होती है? ताकि मिनिमम ट्रांसपायरेशन हो, कैक्टस में मिनिमम ट्रांसपायरेशन, अगर ट्रांसपायरेशन होगा उस एरिया में जहाँ बारिश ही कम हो रही है तो पेड़ तो दो ही महीना नहीं चलेंगे पौधे। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन हुआ, पेड़ की पौधों की पत्तियों पर पानी दिखा और ये पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होकर वायुमंडल में जब ऊपर जाएगा तो वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के कारण कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद से फिर वो बादल बनकर ट्रेवल करता है बाय द वर्चू ऑफ विंड। और विंड कहाँ से क्रिएट होगी? धरती के घूमने से। तो विंड के कारण वो इधर से उधर मूव करता है, और जहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक कूलम पाता है वहाँ पे वो प्रेसिपिटेशन करता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए, बादल बनना जरूरी है, बादल कैसे बनता है? समुद्र में फास्फोरस साइकिल रन करती है, फास्फोरस साइकिल का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको DMS कहते हैं, डाईमिथाइल सल्फाइड। ये बहुत हल्का होता है, ये समुद्र के सतह पर रहता है, समुद्र के सतह पर पहुंच जाता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। और कहीं भी क्लाउड बनना हो तो एक न्यूक्लियाई हाइग्रोस्कोपिक चाहिए, ठीक है? तो ये जो आपका DMS है ये ऊपर जाकर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाता है जिससे बादल बनता है। दूसरा बादल बनने का कारण है स्ट्रेप्टोकोकाई स्पेसीज है, जो कि मेज मकई के खेत से इवेपोरेट होता है। तीसरा जो बादल बनने का है वो है डस्ट और एटकिन पार्टिकल्स,
जो आपका ये धुंध होते हैं इसमें डस्ट जो एटकिन पार्टिकल्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। चौथा बादल बनने का जो कारण होता है वो होता है मेटेराइट, जो अंतरिक्ष से मेटेराइट शावर होते हैं, अक्सर गिरते हैं, हमेशा गिरते हैं, मैंने बताया था कई इसमें वीडियो में है, तो ये भी जो है क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करते हैं। पांचवा तरीका जो बादल बनने का है वो जो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स ऊपर अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं तो उनके जो एग्जॉस्ट से निकलने वाले डस्ट होते हैं ये क्लाउड्स बनाते हैं। ये क्लाउड जो बनेगा इनको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं, जो आप इसके ठीक पहले वाले वीडियो में नॉक्टिल्यूसेंट देखे होंगे वो इसी से बनते हैं। ठीक है, तो अब ये बादल बन गए। अब ये बादल बनने के बाद से फिर जहाँ पर इसका टेम्परेचर में वेरिएशन होगा वहाँ पर ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि धरती और आसमान कैसे जुड़ते हैं, वी नीड अ फ्यूज, और हु इज़ द फ्यूज, दिस वेरी प्लांट ट्रीज। ट्रीज जो हैं वो धरती के फ्यूज कंडक्टर हैं, ये बारिश कराने के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि ये अपने ठीक ऊपर एक सघन वायुमंडल का निर्माण करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़िया क्वालिटी में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इक्विलिब्रियम में होती है। जब बादल इसके ऊपर से जाएगा, मैं इसी पे समझा देता हूँ, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट अपना पहले ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, पेड़ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहा है, तो ये ऊपर अपने ठीक ऊपर एक जो है वायुमंडल का निर्माण करेगा। जब बादल यहाँ से गुजरेगा तो बादल के ऊपर का टेम्परेचर इस और नीचे के टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, और वेरिएशन होने के कारण ये देखिए नीचे से बारिश होती है। कभी भी बर्फ़ आप ऊपर से पिघलते नहीं देखेंगे, हमेशा उस तल से पिघलती है। वो जो तल होता है उसको ड्यू लेयर कहते हैं, जो माउंटेन ड्यू होता है ना, ड्यू बुझाए प्यास, तो वो ड्यू टर्म जो है वही उस तल के बारे में है। तो ये ड्यू लेयर होती है और यहाँ से टेम्परेचर हल्का सा भी वेरिएट होगा ना, वो पानी गिरना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन गिरना होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रेसिपिटेट होकर फिर से प्रकृति, अब यही फ्यूज है, यही फ्यूज हुआ है, अब इसको काट दें अगर तो बादल आएगा और निकल जाएगा। यही प्रेसिपिटेशन से फिर ग्राउंड वाटर और ये सब रिचार्ज होते रहते हैं, नदियों में पानी, झरनों में पानी, ये सारा रिचार्ज मैकेनिज्म यहीं से होता रहता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने वाटर को क्लोज्ड साइकिल, क्लोज सिस्टम माना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्फीयर है लिथोस्फीयर, कई बार इसको मैं शिफ्ट करने में आ गया। लिथोस्फीयर रॉक पोर्शन, रॉक पोर्शन सॉलिड पोर्शन, ठीक है, इसमें इसका दो पार्ट है लिथोस्फीयर का, पहला है जियोस्फीयर, दूसरा है क्रायोस्फीयर। अगर हम कितना भी कंट्रोल कर लेना फिर भी मेरा वीडियो एक घंटे का हो ही जाता है। अक्सर जो है मेरी क्लास में बच्चे कहता हूँ कि भाई देखो तुम लोगों का टाइम हो जाएगा तो मुझे सिग्नल दे देना कि घड़ी समय हो गया, नहीं तो मैं तो पढ़ाता चला जाऊँ। तो अब लिथोस्फीयर जो है दो भागों में बटा है, जियोस्फीयर और क्रायोस्फीयर। जियोस्फीयर में बर्फ़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, जियोस्फीयर में बर्फ़ नहीं होगा और क्रायोस्फीयर में सैंड नहीं होगा। क्रायोस्फीयर वह पोर्शन होगा जो शीट के फॉर्म में रॉक के ऊपर, लैंड के ऊपर रहेगा, पर वो शीट बर्फ़ की होगी, बर्फ़ में पानी होगा, ठीक है, जमे हुए फॉर्म में, जमा हुआ पानी, जमा हुआ आइस शीट, तो वो क्रायोस्फीयर में आता है। अब जियोस्फीयर की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जिसकी मैं अभी शुरुआत में ही जिक्र किया था, बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि जियोस्फीयर जो है वो कलेक्टिवली मान लीजिए, पर जो नई रिसर्चेज हैं उसमें जियोस्फीयर को कलेक्टिवली नहीं माना गया, उसमें वो सारे कॉलम्स को माना गया जिसमें कि अर्थ के सॉलिड पार्ट मटेरियल्स आते हैं अप टू द आउटर कोर, और ये इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में भी इसमें जियोस्फीयर में बताया गया, जो उसका अर्थ का इंटीरियर है पोर्शन, वहाँ पे भी तो भाई क्रस्ट पे भी तो आपका सॉलिड है, तो क्रस्ट के नीचे भी आपको सॉलिड मिलेगा, अभी हम उसको देखेंगे। तो अर्थ का इंटीरियर जो है वो लिया गया 5 से जो है 70 किलोमीटर थिकनेस में,
जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट पे ही ओशन है, ओशन के नीचे जो बेड होता है वो क्रस्ट का ही पोर्शन है। तो अर्थ के क्रस्ट की अगर हम बात करें, जियोस्फीयर सेगमेंट की बात करें, तो सारे माउंटेन और आपका ओशन, ग्लेशियर्स, ये सब के सब अर्थ क्रस्ट पे टिके हैं, अर्थ क्रस्ट पे टिके हैं, क्रस्ट पे ही ओशन है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो क्रस्ट है उसमें कई प्रकार के रॉक और मिनरल्स आपके हैं। 87.7% ऑफ द क्रस्ट का जो वेट है उसमें 8 मुख्य एलिमेंट्स हैं, ये अक्सर एग्जाम पॉइंट में आते हैं, 8 मेजर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, 8 मेजर हैं ये, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और ये देखिए, देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल प्रकृति अपने एबायोटिक कंपोनेंट में करती है। अभी इसके बाद वाले में वही सब कहानी है। अब ये जो आपका SiO2 है या कॉन्क्रीट है, CaCO3 है, ठीक है, और या स्टील है, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स में आते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। ओशियनिक क्रस्ट जो होगा, समुद्र के जो तल होगा, उसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होता है, उसको हम साइमा कहते हैं, SIMA। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा वो हम SIAL इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन अल्मोनियम का डोमिनेट होता है। अब यहाँ पर आप ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे अब तक, तो आप चलिए फोटो पे ये देखिए, अर्थ की ऊपरी लेयर क्रस्ट, उसके ठीक नीचे मेंटल, उसके ठीक नीचे आउटर कोर और उसके ठीक नीचे इनर कोर। इनर कोर प्योर आपका लिक्विड है, ये कि सॉलिड है कि गैस है, किस कंपोनेंट पे है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में विचार आ गया होगा। इनर कोर हमारा ठोस लोहा है और आउटर कोर हमारा लिक्विड है, और गर्म लिक्विड, और कोई भी गर्म ना गर्म तरल धातु भरा लिक्विड अगर किसी रॉक आयरन लोहा के को केंद्र में रख दें, लोहे को सेंटर में रख दें और उसके चारों ओर अगर हम लिक्विड भर दें, कौन सा लिक्विड, गर्म धातु वाला मोल्टेन, और उस लोहे को हम घुमा दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। तो इनर कोर हमारा सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, मेंटल और क्रस्ट। अपर क्रस्ट, चूंकि हम जियोस्फीयर पढ़ रहे हैं तो ये अपर क्रस्ट का पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, और लिथोस्फीयर कहाँ तक है, ये एस्थेनोस्फीयर तक है, ये पोर्शन आप देख रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर मोल्टेन लावा मैग्मा के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे आपसे, इस पोर्शन को आप देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फीयर, ओशियनिक क्रस्ट, समुद्र के नीचे भी बेड बेड है, और ये लिथोस्फीयर का पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये टोटल लिथोस्फीयर देख रहे हैं, समुद्र भी लिथोस्फीयर पे, माउंटेन भी लिथोस्फीयर पे, पर माउंटेन जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे आएगा। लिथोस्फीयर को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रस्ट डिवाइड करें, एक इसमें वीडियो आई बटन में आएगा, नाम होगा वॉल्केनो, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से हैं, ज्वालामुखी कैसे फटता है उसके बारे में है, तो उसको आप देखिएगा।
और साथ ही मैं अर्थक्वेक के बारे में भी डाल दूंगा, तो आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा। अब लिथोस्फीयर के को दो भागों में ऑन द बेसिस ऑफ क्रस्ट डाला गया, एक कॉन्टिनेंट है और एक ओशन है। धरती पर दो ही चीज़ तो है, या तो कॉन्टिनेंट है या तो ओशन है। धरती पर दो ही चीज़ है ना भाई, कॉन्टिनेंट है ओशन है। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंटायर पोर्शन होता है जिसपे माउंटेन और ये सब रहते हैं, ओशियनिक क्रस्ट पे समुद्र रहेगा। ठीक, तो ये पूरा लिथोस्फीयर है, ये पूरा जोन जिसके ऊपर ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। क्रस्ट ऊपरी सतह को कहते हैं, क्रस्ट जहाँ तक है उस पोर्शन को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने रखा ताकि आपको ये जियोस्फीयर समझ में आए, और जियोस्फीयर ये सब कुछ हो गया, ये पूरा लिथोस्फीयर जियोस्फीयर में आएगा, पूरा पूरा लिथोस्फीयर जियोस्फीयर का पार्ट है। लिथोस्फीयर है तभी हम खड़े हैं, कब पनिया खड़े हो पाएंगे, नहीं। लिथोस्फीयर है तभी हम खड़े हैं, हमको जमीन चाहिए ना खड़ा होने के लिए भाई, वायुमंडल चाहिए ताकि जीवन का पहला शुरुआत कहीं से हो, पानी चाहिए, वायुमंडल के बाद से पानी चाहिए, फिर पानी के पानी को कहीं जगह चाहिए ना जिस पे वो टिके, तो लिथोस्फीयर हुआ। अब अगर हम अपने ग्रहण के अनुसार देखें, अपने माने यूटिलिटी के अनुसार देखें, ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम फायदे की चीज़ देखते हैं, तो फायदा देखें तो पहले तो हमारा अच्छा वायुमंडल होना चाहिए, फिर अच्छा पानी होना चाहिए, नाव पे भी रह सकते हैं। कई सालों तक नूह नाव पे थे जब वो महाबारिश हुई थी, शुरुआती जो आर्क ऑफ नूह का कहानी है, नोहा के रूप में भी दिखाया गया है, कहीं कहीं टीवी पे आता है। तो ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयरिक सेगमेंट में आती है, और लिथोस्फीयर ही पूरा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझने के लिए, जो भी सॉलिड एरिया है उसका, वो उसमें आता है, और इंटीरियर का आता है, और इंटीरियर वो भी फंडामेंटल इंटीरियर, ये नहीं कि बहुत इंटीरियर आप चले जाइए, फंडामेंटल इंटीरियर लिथोस्फीयर है। जैसा अब चूंकि हम लिथोस्फीयर में जियोस्फीयर को पढ़ना है, माने रॉक पोर्शन, सॉयल पोर्शन, सैंड पोर्शन, ठीक है, तो जैसा लिथोस्फीयर होगा वैसा वहाँ की पैदावार होगी, वैसा वहाँ मिनरल पाया जाएगा, वैसा वहाँ पे जो है आपका रिसोर्सेज पाए जाएंगे, वैसे वहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश अफ्रीका है, वहाँ डायमंड अच्छे क्वालिटी का मिलता है, डिबियर्स का नाम सुने ही होंगे, डिबियर्स, तानिश्क, ये सब ये डायमंड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, बेचते हैं। तो ये टेम्परेचर का खेल है, नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें देती है हमारे यूज़ के लिए, और इसका हर स्फीयर मानवता के लिए बहुत ही बड़ा योगदान करता है, क्योंकि यदि हम किसी भी स्फीयर को डिस्टर्ब करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अभी आप जहाँ रह रहे हैं उसके नीचे का भूगर्भ जल आपको नहीं मालूम है क्या बाल्टी है, अभी हम सारा पानी धरती के नीचे का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक 34 स्क्वायर किलोमीटर में का एक कोई इलाका है, ठीक है, या और छोटा यूनिट रखिए, मान लीजिए 2300 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन है आपकी, उस 2300 स्क्वायर फीट की ज़मीन को एक कॉलम के रूप में आप देखिए, पानी कितना महत्व है और लिथोस्फीयर कितना महत्व है, इसको सब देखिए। ये मान लीजिए 2300 स्क्वायर फीट का एक कॉलम है, ये आपका ऊपर क्रस्ट है और यहाँ नीचे पानी है, इस पानी को अगर हम ख़त्म कर दें तो ये जो प्रेशर यहाँ हाइड्रोस्टैटिक होगा, ये वैक्यूम हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, एकदम एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, और ये धड़ाम से नीचे बैठ जाएंगे। ग्राउंड वाटर एक स्टैटिक फोर्स भी क्रिएट करता है जिससे कि हमारा क्रस्ट स्टेबल रहे। सब कुछ सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत है ये। गमले में उगता हुआ पौधा जो है वो
पानी और मिट्टी का ही रिक्वायर नहीं है, उसको गमले का सेब भी तो चाहिए, नहीं तो उगेगा क्या? धरती पर जमीन पर रख दो गमले की मिट्टी, उस पर पौधा लगा दो, चलेगा कुछ दूर तक, उसको एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है सुंदरता के लिए। उसी तरह नेचर में भी है, हर चीज़ हर कंपोनेंट, आप एक गमला रखे हैं तो आपको सारा कंपोनेंट उसमें देखने को मिलेगा, एटमॉस्फियर, आपका हाइड्रोस्फियर, आपका लिथोस्फियर, एक गमले के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और फिर भी आप कहें कि आप कभी एनवायरनमेंट नहीं पढ़े हैं तो ये तो नाइंसाफी हो गई आपके अपने साथ। तब आप ये कहिए कि आप पढ़े ही नहीं हैं। अब लिथोस्फीयर में और क्या महत्वपूर्ण है? रॉक साइकिल। देखिए इसका तो जो नोट्स है वो इतना ही है, पर आप समझने के लिए मैंने इसको बनाया है। लिथोस्फीयर में रॉक साइकिल चलती है, ये सब एक्सप्लोर होकर आएगा, बहुत बड़े बड़े में आएगा, उसको परेशान मत होइए। इग्नीशियस रॉक, इग्नीशियस से सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, देख रहे हैं, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये एक साइकिल है, ये एक रॉक साइकिल है जो चलती रहती है। अब इन्हीं रॉक से, इन्हीं रॉक साइकिल से सॉयल का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं रॉक्स के टूटने पर सॉयल बनता है, वेदरिंग शुरू होती है। कोई भी रॉक है, कोई भी पेरेंटल रॉक है, तो देखिए पेरेंटल रॉक चाहे, अब वेदरिंग शुरू हुई विंड से, रेन से, हेल से, आइस से, हीट से, कोल्ड से, ठीक है। अब दिस प्रोसेस इज नोन एज पीडोजेनेसिस। ये जो प्रोसीजर है इट इज पीडोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, जेनेसिस। पीडोजेनेसिस में क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस वेदरिंग है, ठीक है। वेदरिंग होकर ये फाइन पार्टिकल्स में टूटा, टूटने के बाद से फिर केमिकल वेदरिंग शुरू हुई, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, आएगा जियो साइंस में आएगा, परेशान मत होइए, सारा मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा। केमिकल वेदरिंग हुआ तो आपको मिनरल, न्यूट्रिएंट, ऑक्साइड, आयरन, अल्मोनिया, सिलिका मिला, फिर ये तीन लेयर में बटा तो आपको अलग अलग प्रकार के सिल्ट, सैंड और क्वार्ट्ज मिलेंगे। अब फिर इसके बाद से ऐसे जगहों पर प्लांट सक्सेशन शुरू हुआ, सक्सेशन में लाइकेन आया, फिर ग्रासेज आए। अब देखिए सॉयल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, लाइकेन अपने सबस्ट्रेटा को एंटर किया, रॉक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, उसमें वाटर स्टोर होना शुरू हुआ, वो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स उसमें आने लगे, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ सक्सेशन में जो मैंने बताया था वो यहाँ पे शुरू होना चालू हो गई। अब ऐसे बनता है ये सॉयल, और इतना प्रोसेस करने में नेचर को 1,000 से 10,000 साल लगते हैं, और आपको कितना मिनट लगता है इसको खराब करने में? 10 से 15 मिनट। कैसे? गड्ढा खोदा, सफ़ेदा रोपा, गड्ढा पाट दिया, ठीक, सफ़ेदा बढ़ेगा, ये सब खत्म। जो मिट्टी को 1,000 से 10,000 साल लग गए उपज वाली मिट्टी बनने में, उसको आपने 10 मिनट में जो है डैमेज कर दिया। लिथोस्फीयर का जो इम्पोर्टेंस है, जो वो आपका रॉक साइकिल से शुरू होता है, सॉयल यानी पीडोजेनेसिस तक चलता है, और फिर सक्सेशन के थ्रू हमारा लिथोस्फीयर बनकर क्रस्ट पे तैयार होता है, और फिर ये प्लांट्स जो है ट्रांसपायरेशन करते हैं, और ये हाइड्रोसाइकिल। तो ये जो ये क्या है, एटमॉस्फियर लिंक करता है हाइड्रोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर से, फिर लिथोस्फीयर एटमॉस्फियर से, हाइड्रोस्फीयर से, ये लिंकेज बन के ही चलता है, और ये कलेक्टिवली जो है ये पूरा चलेगा आपका जो बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। इस सब में साइकिल है, एटमॉस्फियर में साइकिल है, और लिथोस्फीयर में साइकिल है, आपका वाटर साइकिल है,
ये कलेक्टिवली मिलकर बायोजियोकेमिकल साइकिल बनाते हैं। अब आइए क्रायोस्फीयर की बात करें। सबसे छोटा क्रायोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड है क्रायो, क्रायो मीन्स फ्रॉस्ट फ्रोजन आइस। ये क्रायोस्फीयर जो सेगमेंट है इसमें वाटर तो होता है, इसीलिए ये हाइड्रोस्फीयर से इंटरलिंक होता है, परंतु वो लिंकेज उतने रहती है जितना पानी उसके बाद से होता है उसमें सॉलिड, वो वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको अलग कर दिया। वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है इसीलिए इसको अलग कर दिया। अलग करने पर हमको क्या मिला, हमको पांच अलग अलग क्रायोस जोन मिले। ये क्रायोजोन्स हैं स्नो, सी आइस, लेक आइस, रिवर आइस, परमाफ्रॉस्ट, ग्लेशियर एंड सी आइस, सॉरी आइस शीट। इसमें एक टर्म आया है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट जो है ये सॉयल के ऊपर जो है आइस शीट को कहते हैं, और सॉयल के ऊपर के आइस शीट अपने नीचे डेंस अमाउंट में मीथेन को रखते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आइस शीट मेल्ट होंगी, सबसे पहले ये सॉयल वाली, और फिर बहुत ज़्यादा मीथेन वायुमंडल में लिबरेट होगा। मीथेन का ट्रैपिंग रेट सनलाइट का अच्छा है, इसीलिए मीथेन के कारण साइंटिस्ट डर रहे हैं कि धरती पर ग्लोबल कूलिंग आ सकती है, ग्लोबल कूलिंग आ सकती है। तो क्रायोजोन हमारे पास स्नो फॉर्म में, आइस फॉर्म में, लेक फॉर्म में, लेक में आइस होता है, और ये जो आपको देखने को मिलेगा ये बेसिकली आपको 90 डिग्री पर देखने को मिलेगा थोड़ा सा, और दोनों तरफ अर्थ के। अभी आपको मैं इसमें दिखाता हूँ जो क्रायोजोन्स हैं, ये अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर है हमारा, और ये 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री इधर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। क्रायोस्फीयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्रायोस्फीयर सबसे बड़ा है एज कम्पेयर टू साउथ हेमिस्फीयर। चूँकि सन की इंटेंसिटी जो इंसोलेशन है वो 30 डिग्री पर इधर और 30 डिग्री पर इधर ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए सारे डिजर्ट यहीं पाए जाते हैं। इक्वेटर पे उतना डिजर्ट नहीं है जितना डिजर्ट जो है आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे है। अब जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पे भी ऊपर आपको क्रायोस्फीयर मिलेगा, ठीक है, ये तो अर्थ की बात हो गई। अब माउंटेन की बात करें, सॉरी बस ये लास्ट है, माउंटेन की बात करें तो माउंटेन पर आपको क्रायोस्फीयर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जब एटमॉस्फेयर का वीडियो मैंने बनाया तो उसमें बताया था ना, तब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा, जो वाटर होगा वो फ्रोजन फॉर्म में हो जाएगा, इसीलिए कंडेंसेशन होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। जो आप हाइड्रोसाइकिल अभी नीचे पढ़े हैं आगे, उसमें कंडेंसेशन इसीलिए होता है। तो यहाँ पर आपको आइस कैप्स मिलेंगे माउंटेन में, और बाकी सबसे बड़ा क्रायोस्फीयर आपको मिलेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उसके बाद साउथ हेमिस्फीयर में, फिर आपको माउंटेन्स पे, ये ध्यान रखिएगा। माउंटेन्स में ग्लेशियर्स के फॉर्म में मिलेगा, सियाचिन क्रायोस्फीयर है, सियाचिन क्रायोस्फीयर है, अलास्का क्रायोस्फीयर है, हिमालय क्रायोस्फीयर में आता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और कैसा लगा क्लास ये कमेंट वमेंट में आप कर दीजिएगा, जो कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। पार्ट 1, 2 और 3 देखने के बाद ही इसको देखिएगा, ये विनम्र आग्रह है। इसके बाद से जो पार्ट आपका 4 बन रहा है, सॉरी 4 तो ये है ही, जो 5th बन रहा है उसमें हम बायोस्फीयर को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें कि सारे इकोलॉजी इकोसिस्टम सबके एबायोटिक कंपोनेंट को भी इलैबोरेट कर देंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू वेरी मच।
हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।